2021 में एक सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में है, वो ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफिकेशन के लिए भारत को क्या करना होगा और वो कौन सी टीम्स हैं जो भारत के खेल में थोड़ा सा खलल डाल सकती हैं। Redmi 9 Pro presents Thunder Down Under और ये बड़ा खास इसका एपिसोड इसलिए है क्योंकि हम एक्चुअली बात करने वाले हैं सिनेरियोस की कि कौन सी टीम कहाँ खड़ी है, कहाँ पहुँच सकती है, किसके कितने पॉइंट्स बचे हैं और कितने उनको जीतने होंगे। अभी अगर देखें तो अभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर इंडिया, नंबर 3 पर न्यूजीलैंड है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स। जो अगर आप परसेंटेज पॉइंट्स, एक बड़ा मजेदार सा एक कहानी है, लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू कि अगर पॉइंट्स में देखें तो इंडिया के 390 पॉइंट्स हैं और अगर ऑस्ट्रेलिया के देखें तो 322 पॉइंट्स हैं, लेकिन इंडिया एक पर नहीं है, इंडिया नंबर 2 पर है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। अब ये बड़ा समझ में नहीं आती ना बात, ये क्या तरीका है यार, हमारे पॉइंट्स ज़्यादा लेकिन हम नीचे हैं और किसी के पॉइंट्स कम हैं वो ज़्यादा ऊपर है। आई मीन हाउ इज़ दैट पॉसिबल, इन फैक्ट इन ऑल लाइकलीहुड अभी इसी तरीके से अगर चलता रहे तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई भी कर जाएगी और इंडिया का अभी भी जो है वो बहुत जद्दोजहद बनी रहेगी। आई मीन इट डज नॉट मेक सेंस बट इट विल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज पॉइंट्स नाउ, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारी टेस्ट श्रृंखलाएं खराब हुई हैं, नहीं हो पाई हैं, स्थगित हो गई हैं और अगर वैसा करेंगे और सबकी अगर श्रृंखलाएं कराने बैठेंगे तो फिर तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में नहीं 22-23 में करानी पड़ेगी, तो वो होने वाला है नहीं। तो सबको कहा कि देखिए अगर आप 10 मैच खेले आपने 6 जीते हैं तो फिर वो आपके 60% के हिसाब से पॉइंट्स देख लिए जाएंगे। उस तरीके से पॉइंट्स नापे गए हैं कि आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कितने थे, उसमें से आपको कितने मिले, उसका परसेंटेज पॉइंट्स जो मिले वो भैया आपकी स्टैंडिंग है। तो इसके चलते जो इंडिया पहले नंबर 1 पे घूम रहा था फट से एकदम से नंबर 2 पे आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 से नंबर 1 पे खुदक के पहुंच जाता है। 76% इनके वो विन परसेंटेज है, तो मतलब दे आर लुकिंग वेरी सिक्योर। बहुत ज्यादा मुकाबले उनको भी खेलने भी नहीं है और भारत के अभी मुकाबले बचे हैं जिसमें से 2 तो अभी, एक सिडनी या मेलबर्न और एक ब्रिस्बेन, और 4 भारत में भी होने हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो 6 मुकाबले बचे हैं और भारत को कितने अंकों की जरूरत है टू एक्चुअली गेट द परसेंटेज पॉइंट्स राइट, दैट्स द बिग क्वेश्चन। मेरे विचार में ये जो रेस है ना, ये 3 घोड़ों की रेस है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया, इसमें न्यूजीलैंड है, इसमें वो चौथा मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि फार फेच्ड एक बिल्कुल पीछे से शायद वो दौड़ रहा है घोड़ा, सोच रहा है कि शायद मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचेगा नहीं। उस टीम का नाम है इंग्लैंड, क्योंकि उनके अभी 4 तो भारत के खिलाफ मुकाबले बचे हैं परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से। लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू कि कहां खड़ा है इंग्लैंड। इंग्लैंड के अभी सिर्फ 60% वो अंक है, 60%, 240 अंक अभी भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं ये, श्रीलंका के खिलाफ 120 और 120 खिलाफ इंडिया, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं क्योंकि इंडिया से ना 4 मैचेस जो हैं वो बाहर हैं और श्रीलंका के साथ भी वो घर पे नहीं है, बाहर हैं, तो ये बाहर जाके कहाँ हैं, 120 इनको नहीं मिलने वाले, 240 पॉइंट्स तो इनका कोई काम नहीं होने वाला, तो ये आगे नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी पहले एक बार ध्यान दे देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 76.7 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ है, विच इज़ अ फैंटेस्टिक नंबर, और 60 पॉइंट्स अभी कॉन्टेस्ट करने के लिए हैं, 30 and 30, यानी कि 2 टेस्ट के 60 पॉइंट्स, और उसके बाद ना एक 120 पॉइंट्स वर्सेस साउथ अफ्रीका भी हैं, पर वो सीरीज़ का ना पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अगर तो वो सीरीज़ होती है तो फिर कहानी में थोड़ी सी कहते हैं ना कि वो दे कुड बी अ ट्विस्ट इन द टेल, लेकिन अगर वो सीरीज़ नहीं होती तो फिर क्या है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, क्योंकि 76 पॉइंट्स पे अभी हैं, 76 परसेंटेज पॉइंट्स पे कुछ अंक यहाँ से मिल भी जाएंगे, गवा भी देंगे, फिर भी भैया दे शुड दे विल बी ऑल राइट, तो ऑस्ट्रेलिया इज एब्सोल्युटली सिक्योर और लुक्स लाइक दैट दे विल बी द नंबर 1 साइड। अगर थोड़ा हार भी जाएंगे तो नंबर 2 पे आ जाएंगे, वो नंबर 3 पे जाएं ऐसा चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनके आंकड़े जो इनके जो परसेंटेज पॉइंट्स है ना वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर तो ये अपने घर के दोनों मैच जीत जाते हैं तो नियरली 80% पे पहुंच जाएंगे, अगर ये एक जीतते हैं एक हार जाते हैं तो ये 73, अगर एक हार जाते हैं तो फिर 73 पे आ जाएंगे, अगर ये एक ड्रॉ कर जाते हैं तो 75 पे आ जाएंगे, पर ये सब कुछ करने के बावजूद ना 70 पे से नीचे तो जाने वाले नहीं है, तो अगर 70 से नीचे नहीं गए तो दे शुड बी एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि जो दूसरी टीम है ना वो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का आज ही तो एक मुकाबला शुरू हो रहा है पाकिस्तान के साथ, एक बार वो जीत चुके हैं पिछला मैच, ये मैच भी अगर जीत जाते हैं तो 120 अंक इस श्रृंखला से भी हो जाएंगे, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी इन्होंने 120 अंक प्राप्त कर लिए थे। तो न्यूजीलैंड की कहानी ये है कि अभी ये 66.7 परसेंटेज पॉइंट्स पे हैं, तो ये अभी भारत से काफ़ी नीचे हैं, पर जैसे ही ये जीत जाएंगे तो इनके जो परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं फुदक कर पहुंच जाएंगे ये 70% पे,
70% इज द नंबर दैट इंडिया कैन ओनली अचीव अगर यहाँ से 120 अंक अर्जित करें तो. उसके बिना वो 120 के बिना वो 70% अंक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंडिया को कोई टेस्ट मैच मिस नहीं हो रहा है, इंडिया अपनी सारी श्रृंखलाएं खेल रहा है. कोविड के चलते इंडिया को नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ द मैचेस दैट दे हैव मिस, पर नुकसान ये हो गया कि बाकी नहीं खेलें तो अब वो बाकी अंकों से नहीं, अब परसेंटेज पॉइंट से चल रही है सारी दुनिया, और उसके चलते भारत को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है यहाँ पर. तो न्यूजीलैंड की कहानी है कि जीत जाएंगे, मुझे लगता है जीत जाएंगे, और 70 अपने परसेंट पॉइंट्स के साथ ये भारत की बिल्कुल यहाँ पे जान हलक में रखेंगे. अब इंडिया की बारी है जी, इंडिया कहाँ खड़ा है, बिकॉज दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन. लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट नंबर एज वेल. भारत 72% अंक है, तो वैसे देखे तो न्यूजीलैंड से तो हम अभी भी आगे हैं, लेकिन ये आगे रहेंगे नहीं ना, क्योंकि अगर अगले कहीं दो मुकाबलों में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर चार में से चार जीतते हो आप इंग्लैंड के खिलाफ तो आपके 120 अंक हो जाएंगे, आप जहां खड़े हैं वहां मौजूद रहेंगे एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन अगर आप वहां कहीं गड़बड़ हो जाती है, वहां कोई आप सीरीज हार जाते हैं, तो फिर मतलब सीरीज हारते नहीं एक आधा मैच हार जाते हैं, तो फिर कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट, फिर आपके अंक जो है 72 से नीचे सरकने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो नीचे सरके, चाहे वो ड्रॉ हो चाहे वो हार जाओ, आप मैच हारेगी तो नहीं भारत, एक वैसे पिंक बॉल का टेस्ट मैच है, बट देन एनीहाउ आई थिंक इंडिया में इंग्लैंड को मार देगी, 4-0 से भी मार सकती है. लेकिन अगर कहीं अगर 4-0 से नहीं हरा पाए, 120 अंक अर्जित नहीं कर पाए, और आने वाले जो दो मुकाबले हैं अगर उसमें आपको अंक नहीं बटोरे गए, देखिए बहुत सारे तो बटोर नहीं पाओगे ना, क्योंकि दो मैचेस एक जीत गए तो फिर तो काफी सिक्योर हो जाओगे, लेकिन अगर एक नहीं जीत पाते हैं और दोनों मैच मान लो ड्रॉ हो जाते हैं, दो ड्रॉ से काम नहीं चलेगा, तो आप वो एक और फिर ड्रॉ करना पड़ेगा वो वाला मुकाबला, फिर देन यू विल बी ऑलराइट, क्योंकि 3 draws विल बी अ विन इन अ 4 test match काइंड ऑफ अ सीरीज. पर 3 draws करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, अगर आप हार जाते हैं तो 0 अंक मिलता है, फिर आपको अंक नहीं मिलता, और अगर एक ड्रॉ हो जाए, एक हार गए और या 2 draw और एक हार गए, तो फिर आपके 72 नहीं हो पाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे और न्यूजीलैंड से पीछे भाग जाएंगे आप. तो ये अब कहानी को अगर सरल रखना हो तो सरल रखने का मेरा हिसाब से तो तरीका यही है कि भारत यहाँ पर 2 match में से 2 जीत जाओ, बल्ले बल्ले, फिर सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ 2 जीतने पड़ेंगे, 2 draw कर दो, यार थ्रू मैन थ्रू. लेकिन अगर आप वो नहीं हो पाता तो यहाँ पे 1 जीत जाओ 1 हार जाओ, या फिर 1 हार जाओ 1 draw कर जाओ, तो भी आपको थोड़ा सा कुशन मिलेगा. 4 इंग्लैंड के जो मुकाबले हैं वो 4 जीत जाओ, ये अभी आप इस सीरीज में क्या करते हो वो आपको उतना लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा नहीं. अब इट्स प्रिडिक्शन टाइम कि कौन कहाँ पहुँचने वाला है. देखिए मुझे लगता है कि जो फाइनल है ना, ये मैंने बहुत पहले कहा था, एक्चुअली विल पुट द वीडियो का लिंक भी ऑल्सो, कि हमने बहुत पहले कहा था कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा ना, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होगा लॉर्ड्स के मैदान पर. मुझे लग रहा है अभी भी ऐसे ही होने वाला है, इट्स नॉट गोना चेंज, सब कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन बैठते रहेंगे, और न्यूजीलैंड वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, भारत वहाँ पहुँच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ. That's what I feel. अब आप ये सोचोगे मैं ये क्या जैकेट वैकेट पहन के क्यों बैठा हूँ, भाई साहब दिल्ली आ गया हूँ मैं, दिल्ली की ठंड में एकदम कुल्फी थोड़ी सी जमाने के लिए आ गया हूँ, तो अब दिल्ली में अब जितने भी ये वीडियोज़ हैं आपको दिल्ली से मिलेंगे. Redmi 9 Power Thunder Down Under, it is quite thundering down here, क्योंकि ठंड काफ़ी है यार, but anyhow we'll get used to it. और आप ये फ़ोन जानते हैं अच्छी तरह से, पहचानते हैं अच्छी तरह से, 48 कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप इसका है, इसका 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी है. आई मीन इससे ज़्यादा आपको एक फ़ोन में कुछ मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, तो खरीद लो यार, खरीद लो, बड़ा अच्छा फ़ोन है, लाइट वेट भी है, एंड आई एम टेलिंग यू स्टडी है बॉस, नहीं टूटता ये फ़ोन, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. Redmi 9 Power प्रेजेंट्स, आप देख रहे थे थंडर डाउन अंडर. चलिए जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा, और थोड़ा प्यार भी भेजिएगा, प्यार की गर्माहट भेजिएगा, क्यों, क्योंकि दिल्ली में ठंड है यार, टेस्ट मैच में 5 बजे उठना पड़ेगा, रजाई से निकलने का मन नहीं करेगा, बट देन इट्स ओके, आई हैव टू डू दिस फॉर यू, आई विल, आई शैल, वी मस्ट.